हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल ने सारे दा। उम्मीद करते कि तुसे सारे वधिया होवोगे, सेफ होवोगे, सुरक्षित होवोगे। सारे नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। आपां अज मैथ दे कुछ सम करांगे, 7.1 एक्सरसाइज क्लास 10th। टॉपिक अपना चल रहा सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इहदा फस्ट सम है जिहड़ा मैं इस तों पहली वीडियो दे विच करवा चुक्या हाँ। जिन्हां बच्चों ने वह वीडियो नहीं वेखी होनी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दे दूंगा। एक होर गल करा कि चैनल दे वल्लों मैं प्लेलिस्ट है जिहड़ी वह बनाती, तां तुसीं कोई भी बच्चा जिहड़ा हैगा गा जिन्हें 10th क्लास दी मैथ दी कोई एक्सरसाइज करनी होवे तां वह मतलब कि प्लेलिस्ट दे विचों उसनूं उस एक्सरसाइज का लिंक है जिहड़ा वह मिल जाएगा, तो उत्थों वह बच्चा जिहड़ा हैगा आसानी नाल मतलब कि अपनी जिहड़ी एक्सरसाइज है उसनूं लभ भी सकदा है, तो उसदे सारे पार्ट है जिहड़े उसनूं कर भी सकदा है। तां आपां करदे हां बेटे 10th एक्सरसाइज 7.1 दा सैकेंड सम। एंड विच वह कहिंदा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन ए पॉइंट है एंड यह चीज है। फाइंड द डिस्टेंस दूरी नूं पता करो बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। यह दो पॉइंट दिते हुए हैं। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स। की तुसी कहिंदा कि दो टर्म्स जो दिते गए हैं इन्हां दे विचकार दी दूरी है जिहड़ी ओह पता कर सकदे हो। ए एंड बी डिस्कस्ड इन सैक्शन 7.2 7.2 दे विच सैक्शन दे विच जो दिता गया है उस दे अनुसार। तां पहले नंबर ते तां बेटा आपां ए ते बी दे विचकार दी दूरी पता करांगे। इहदा फार्मूला हुंदा है ए बी दिस वन एक्स टू माइनस एक्स वन द स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द स्केयर। ये सी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो आप अगो करांगे एक्स टू है जिहड़ी अपने कोल 36 दित्ती हुई है। एक्स वन अपने कोल 0 दिता होया तो इहनूं आप स्केयर कर देंगे। वाई टू अपने कोल 15 दित्ती हुई है, ये 0 दित्ती हुई है, इहदा स्केयर हो गया 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 36 ਪਲੱਸ 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 36 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 36 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 6 1 6 = 36 6 ਆ ਗਿਆ 3 ਕੈਰੀ ਆ ਗਿਆ। 6 1 3 = 18 ਦਿਸ ਵਨ ਆ ਗਿਆ। 6 1 3 = 18 1 ਆ ਗਿਆ। 3 1 3 3 मल्टीप्लाई करांगे 225। आप इहनूं जोड़ दांगे, जदों जोड़ांगे 6 6 ते 5 11 बन गया। 1 1 कैरी आ गया। 9 ते 2 11 बन गया। 11 दे विच 1 जोड़ता 2 बन गया, 1 कैरी आ गया। 2 ते 2 4 हो गया, 4 दे विच 1 जोड़िया 5 हो गया, ते 1 हो गया। अपने कोले बन जाएगा 1521। तां आपां की करांगे 1521 दा स्क्वायर रूट हल करांगे। उस दे लई आपां इस तरह करांगे 3 ते गया 3 1 5 = 15। उस तों बाद आपां 2 पॉइंट लवांगे 3 1 7 = 21। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 3 1 1 = 3 2 ਬਚ ਗਿਆ। 3 1 6 = 18 2 ਬਚ ਗਿਆ। 3 1 9 = 27 13 ਤੇ 13 3 169 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 3 × 3 × 13 × 13। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 2 ਦੇ फैक्टर कढ लांगे 3 × 13 = क्या आ गया 39। यानी कि इहदे विच डिस्टेंस 39 दी आएगी। इस तरीके दे नाल इह सम आ जिहड़ा इह सॉर्ट आउट होना सीगा। हुण आपां करदे हां इस दी जो उसने आपां नूं पुछिया सीगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स ए एंड बी दी डिस्टेंस है जिहड़ी उह फाइंड आउट करदे हां। ए दी डिस्टेंस तां फाइंड आउट नहीं होएगी क्योंकि ए दी डिस्टेंस दे विच उन्होंने 0 ही पॉइंट्स दिते हुए हैं। बी दी डिस्टेंस है जिहड़ी उह फाइंड आउट होएगी।
ठीक है। ता जड़ी बी है, बी दे अपन पॉइंट दिते हुए है 36 ते 15। ये मैं तुम्हें समझा दिना किस तरीके दे नाल हुंदा। उसने अपन इस तरीके दे नाल एक ग्राफ दिता हुंदा बेटे, ता जिंदे विच अपन उन्होंने जीरो दिती हुई है ते अपन नु यह बी दिता हुआ है। ता अपने कोले जो 36 हैगी है, 36 अपने कोले मान लो बेस बन जांदा गा। उस तो बाद परपेंडिकुलर है जिहड़ा वो आप मान लांगे 15 दिता होया, ते आह जो विचकारली डिस्टेंस बनती है ये डिस्टेंस है जिहड़ी इह आप फाइंड आउट करनी है। प्लान मान लो ए आप पॉइंट मान लैने हैगे आ, तो अपने कोले फार्मूला बनूगा ए ओ दी स्केयर इज इक्वल टू ओ बी दी स्केयर ए बी दी स्केयर। ए हो गया अपने कोले करण दा स्केयर इज इक्वल टू आधार दा स्केयर लंब दा स्केयर। करण है जिहड़ा वह आप फाइंड आउट करना, ए ओ दी स्केयर हो गया, आधार अपने को 36 दिता हुआ 36 का स्केयर हो गया, लंब अपने को 15 दिता हुआ है, परपेंडिकुलर 15 का स्केयर हो गया। 36 का आप किया 1296 आ गया, ठीक है। एंदा करांगे 225 आ जाएगा, जो 1296 दे विच 225 आप जोड़ांगे तो अपने को आएगा 1521, ठीक है। इधर बन जाएगा ओ ए दी स्केयर, इधर भी बन जाएगा ओ ए दी स्केयर इज इक्वल टू जड़ा 15 है, ए तीन ते गया, पांच ते 15 जीरो, सात ते 21, तीन ते गया, एक दिया तिया दो बच गए, छे तिये 18, दो बच गए, नौ तिया 27, तेरह तेरिया 169, इधर कितने बन जाएंगे, इधर अपने कोले बन जाएगा 39 का स्केयर। एंदे नाल आपां इह कट लांगे क्योंकि आ दो तीआं का एक तीआ निकल गया, आ दो तेरां का एक तेरां निकल गया, तो यह 39 बन गया, 39 का स्केयर, स्केयर ना स्केयर कट्टिया गया, तो अपने कोले आ जाएगा ओ ए बराबर 39 फ्रेंड्स बराबर 39। इस तरीके दे नाल बेटा यह सम है जिहड़ा यह सॉर्ट आउट होना सीगा। हुण आपां करदे हां थर्ड सम। ता थर्ड सम की अपने कोले ए पॉइंट दिता होया है 1 ते 5, बी पॉइंट दिता होया अपने कोले 2 ते 3, सी पॉइंट दिता होया अपने कोले -2 -11। तो उन्होंने पूछा बेटे भी यह जी रकम अपन स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो 3 बिंदु दिते हैं यह सम रेखी है कि नहीं है, तो इन आप करेंगे आप पहला ए भी पता करेंगे x1 y1 x2 y2। कहते आप फार्मूला लगावे x2 - x1² y2 - y1² एक्स टू अपने को 2 है, एक्स वन 1 है दस स्केयर प्लस वाई टू अपने को 3 है, वाई वन 5 है, तो यह बन जाएगा अपने को 2 के 1 सबट्रैक्ट करेंगे 1 द स्केयर बन जाएगा, प्लस माइनस -5 के 2 माइनस 3 माइनस किया -2 का स्केयर बन गया, एक नू एक नाल गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 द स्केयर कितना होंगे 4 होंगे, तो यह अपने को आ गया √5। इस तरीके दे नाल बेटा हुण आपां बीसी फाइंड आउट करांगे, उहदे लई अलग फार्मूला लगेगा x2 - x1² y2 - y1² तो हुण की है हुण आह x1 बन जाएगा, आह y1 बन जाएगा, आह x2 बन जाएगा, यह y2 बन जाएगा, तो हुण आपां इहनूं सॉर्ट आउट करांगे। x2 है जिहड़ी अपने को आ गया -2, x1 है जिहड़ी आ गया अपने को 2, y2 अपने को आ गया 11, y1 आ गया अपने को 3। तैनू आप सॉर्ट आउट करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 ते 2 4 हो गया स्केयर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया -14 का स्केयर हो गया, तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का स्केयर 16 होंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 14 × 14 196 होंगे, एनू जोड़ देंगे 6 ते 6 12 हो गया,
90 91 20 ਤੇ 1 ਕੈਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 21 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BC ਆਹ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ CA ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ CA ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square तम उनकी है आहा x1 है ये y1 बन जाएगा ते थे a दा पॉइंट आ जाएगा एक ते 5 ये बन गया x2 ये बन गया y2 तब ऐसे वैल्यू फिल करेंगे x2 अपने को ले 1 है x1 है जिधर वो माइनस 2 है 10 केयर y2 है जिधर वो अपने को ले 5 है y1 है जिधर वो माइनस 11 10 केयर बन गया तो ये अपने को ले 5 जगह रजे 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 द स्क्वायर ए बन गया 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 11 द स्क्वायर ए बन गया अपने कोले 3 द स्क्वायर प्लस 16 द स्क्वायर जब इन आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने कोले बन जाएगा 3 द स्क्वायर 9 बन गया 16 द स्क्वायर 256 एनु जोड़ दांगे 9 ते 6 15 25 ते 1 26 265 आ गया ठीक है तो इस तरीके दे नाल बेटे अपन नु तीन पॉइंट्स है जेडी ओ पता लग जानगे पर एंदे विच अंडर रूट 5 आ रहा है एंदे विच अंडर रूट 212 आ रहा है एंदे विच अंडर रूट 265 आ रहा है तो तीन ये नहीं मिल रहे जे तीन ये ना मिलन तो आप लिखांगे भी ये सम रेखी नहीं हां मतलब ये जेड़े अपन नु निर्देशक अंक दिते गए है ये सम रेखी नहीं हां ठीक है तो हुन आप करते हैं ऐसे डब्बी दा ऐसे एक्सरसाइज का फोर्थ सम फोर्थ सम चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 आर वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहना कि यह सिद्ध करो कि 5 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 एक सम दो भुजी त्रिभुज दे शिखर हन उस तरीके दे नाल ही पता करना है बेटे आइसोस्केल ट्रायंगल है जेडी वो सम दो भुजी हुंदी हैगी है तेंदे विच भी अपन नु ए पॉइंट दित्ता होया उन्होंने ने 5 माइनस 2 बी पॉइंट उन्होंने ने दित्ता होया अपन नु 6 ते 4 सी पॉइंट उन्होंने ने अपन नु दित्ता होया 7 ते माइनस 2 तो पहले नंबर ते आपा ए बी फाइंड आउट करांगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर तो मैं क्या सीखा आह x1 होंगे y1 होंगे x2 होंगे y2 होंगे ये क्या तेंदे विच की है x2 अपने को ले 6 है x1 अपने को ले 5 है स्क्वायर हो गया x2 अपने को ले 4 है ये हो गया माइनस 2 द स्क्वायर 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 4 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 6 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਪਲੱਸ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 36 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 37 ਇਹ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ x2 - x1 ਸਕੁਅਰ + y2 - y1 ਸਕੁਅਰ
चेंज कर लो, आ एक्स वन हो गया, वाई वन हो गया, आ एक्स टू हो गया, वाई टू हो गया, क्योंकि हम आप बीसी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इन जी एक्स टू है वह है सैवन, एक्स वन है जी है सिक्स, द स्केयर हो गया, वाई टू है जी माइनस दो है, वाई वन है जी फोर का स्केयर हो गया। तो सैवन के वन सबट्रैक्ट करांगे, वन का स्केयर हो जाएगा बेटे, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस सिक्स का स्केयर हो गया। तो वन का स्केयर वन ही आएगा, प्लस माइनस में माइनस ना मल्टीप्लाई करांगे, प्लस बन जाएगा, सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स बन जाएगा, तो अपने को आ जाएगा थर्टी सैवन। अपने को दो सम दो पूछिए, उसने पूछा सीगा तो सम दो पूछी है जी अपने को सॉल्व हो चुकी है। हम आप करांगे सी ए, आह अपने को एक्स वन बन जाएगा, अपने को वाई बन जाएगा, तो ए का पॉइंट अपने को आ जाएगा फाइव माइनस टू। फार्मूला पर सेम लगावांगे, एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर, वाई टू माइनस वाई वन स्केयर। एक्स टू है बेटे अपने को फाइव बनेगा, आह एक्स टू है वाई टू है, माइनस एक्स वन अपने को सैवन बनेगा तो स्केयर आ गया, प्लस वाई टू है जी अपने को माइनस दो बनेगा, माइनस माइनस दो का स्केयर बन जाएगा, प्लस माइनस 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 दो का स्केयर बन गया, ए बन गया माइनस दो, माइनस माइनस प्लस दस स्केयर बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू का स्केयर फोर हो गया, आ कटिया गया तो ये जीरो का स्केयर, ए बन गया फोर प्लस जीरो, ए बन गया फोर, यानी कि अपने को आ गया टू। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल सॉल्व होना से अपने को दो इक्वेशन है जी ए ते बी ओ मिल गई है। क्या ए बी बराबर बी सी बराबर अंडर रूट सैंती है। ठीक है, इसलिए ए बी सी एक सम दो पूजी त्रिभुज है। इस तरीके दे नाल बेटा यह सम है जिहड़ा यह सोर्ट आउट होना सीगा। उम्मीद करदा कि तुहानू मेरा यह पढ़ाउण दा तरीका पसंद आया होगा। जेकर तुहानू मेरा यह पढ़ाउण दा तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नैक्सट क्लास दे विच अगले सम है जिहड़े फाइव तो बाद दे ओह तुहानू करवाए जाणगे। अज लई इन्ना ही, विश यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, स्टे होम सेफ होम, ओके बाय।